All set to wrestle fam, my name is Jay and with this brief, let's start this video. WWE में बहुत से superstars आते जाते रहते हैं, उनमें से कुछ superstars तो बहुत popular हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी हो पाते। और कई बार ऐसा भी होता है कि WWE fans कुछ नए superstars को पुराने famous superstars से compare करने लग जाते हैं, चाहे वो उनकी physical appearance की वजह से हो या same type of character की वजह से, या कई बार WWE खुद से भी new superstars को old famous superstars का new version दिखाती है, like Shawn Michaels 2.0, Goldberg 2.0, etc. etc. तो आज इस वीडियो में आपको ऐसे ही पांच सुपरस्टार्स के बारे में बताऊंगा, गोइंग फ्रॉम 5 to 1, हु रिमाइंडेड फैंस ऑफ फॉर्मर रेसलर्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 5, जिस पर है मेसन रायन। आप ही इन्हें देखकर मुझे बताओ कि आपको ये किसकी तरह लग रहे हैं। मैं जब छोटा था 10 years back 2011 में मैंने इन्हें फॉर द फर्स्ट टाइम देखा था नेक्सस की टीम में, और मुझे तो लगा था कि बैटिस्टा ने नेक्सस की टीम को ज्वाइन कर लिया है। बैटिस्टा 2010 में जॉन सीना से एक आई क्विट मैच को हारने के बाद WWE से चले गए थे, और उसके अगले ही साल 2011 में मेसन रायन ने अपना WWE डेब्यू किया था एज अ मेंबर ऑफ नेक्सस। बट अपने मेन रोस्टर रन के कुछ ही टाइम बाद उन्हें WWE ने वापस से NXT में भेज दिया, और अप्रैल 2014 में उन्हें कंपनी से रिलीज भी कर दिया। और रायन का कैरियर इसी वजह से इंपैक्ट हुआ क्योंकि उन्हें फॉर्मर सुपरस्टार बैटिस्टा के साथ कंपेयर किया जाता था, जो कि WWE में मल्टी टाइम चैंपियन थे, और ये बात मेसन रायन ने खुद भी कही थी। ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज द बिग शो। बिग शो ने WCW में अपना डेब्यू किया था। उनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना स्ट्राइकिंग था कि WCW ने उन्हें एज अ सन ऑफ आंद्रे बिल्ड किया। कुछ टाइम बाद वो WWE में आ गए, और वहां वो काफी सालों तक एक मेन से रहे, एज उनकी अपीयरेंस आंद्रे द जायंट की याद दिलाती थी, और उनकी आउटफिट भी सिमिलर सी थी। बट लेटर बिग शो के वेट लॉस करने के बाद ये कंपैरिजन कुछ हद तक कम भी हो गया था। ओके द नेक्स्ट वन इज रैंडी ऑर्टन। आई नो रैंडी ऑर्टन को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, उनका एक अपना यूनिक कैरेक्टर है, इज रियली समथिंग डिफरेंट। उन्होंने खुद से अपना कैरेक्टर बिल्ड किया है, बट 2009 के बाद जब उनका कैरेक्टर चेंज हुआ था और उन्हें द वाइपर नाम मिला, फैंस की तरफ से रैंडी का कंपैरिजन शुरू हो गया था विद द WWE लेजेंड जेक द स्नेक रॉबर्ट्स के साथ। वो भी WWE के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टॉकर्स थे। वो एक लोअर काम टाउन में जिस तरह प्रोमोस डिलीवर किया करते थे, ऑर्टन भी कुछ हद तक उसी तरह करते हैं। तो यहाँ जस्ट स्नेक और वाइपर कैरेक्टर्स की वजह से ऑर्टन रिमाइंडेड ऑफ जेक रॉबर्ट्स। ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सुपरस्टार, शी इज मैंडी रोज। यस, फैंस का मानना था कि मैंडी एक फॉर्मर फीमेल WWE लेजेंड की याद दिलाती है, एज उनके कुछ फेशियल फीचर्स और उनका बॉडी शेप मिलता जुलता है, और वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि WWE हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रैटस है। इवन ट्रिश ने खुद भी ये कहा था कि रोज उन्हें रिजेंबल करती हैं अप टू अ सर्टेन डिग्री। उन्होंने 2017 में एक ट्वीट भी किया था कि वो मैंडी रोज की एक पिक्चर को देख रही थी और उन्हें लग रहा था कि वो खुद हैं। ओके, अब वो फाइनल सुपरस्टार जिनके बारे में फैंस को लगता है या लगता था कि वो एक फॉर्मर WWE लेजेंड की याद दिलाते हैं, वो हैं द सी नेशन लीडर जॉन सीना। आप सोच रहे होंगे अब सीना किसे रिमाइंड करवाते हैं, पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो आपको इजिली पता लग जाएगा कि वो लेजेंड कोई और नहीं बल्कि हल्क होगन है। और वो क्यों, मैं बताऊं या आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे? चलो मैं ही बता देता हूं। आई थिंक क्योंकि 1980s के टाइम पर हल्क होगन एक अमेरिकन हीरो थे, उन्होंने विंस की हेल्प की थी WWE को एक मेजर रेसलिंग प्रमोशन बनाने में। एज हल्क होगन ने फर्स्ट 9 रेसलमेनियास को मेन इवेंट किया है, वो तब WWE के फेस थे, और कुछ साल पहले जॉन सीना भी WWE के फेस थे। सीना को भी WWE ने एज अ गुड गाय पोर्ट्रे किया, जो कि विलन से लड़ता है और हमेशा फेयर मैचेस लड़ता है, आई थिंक जो कि होगन और सीना के कंपैरिजन का मेन रीजन रहा होगा। अगर आपको कुछ और पॉइंट्स भी सिमिलर लगते हैं तो वो आप कमेंट कर देना, और अगर आपके मन में कोई और भी सुपरस्टार हैं जो कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स को रिमाइंड करवाते हैं तो उनके नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, और रेसलिंग रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जुड़ जाओ रिरेसल फैमिली में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज जय, लविंग आउट।